सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्राइंग टैक। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत एक्साइटेड और मज़ेदार, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली हाउ टू मेक ह्यूमन फेस स्ट्रक्चर इन इजी वे। कैसे करेंगे वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। बट अपने पास है इलाज, कैसे करना है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक ह्यूमन फेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो भी बस थोड़ी सी मेहनत करके। कैसे? सो चलते हैं बिना देरी के, इस वीडियो को देखिए आप। सो फर्स्टली तो इससे टेपिंग कर देते हैं थोड़ी। हमारा जो ह्यूमन फेस का बेसिक फेस होता है, जो हम नहीं बना पाते हैं, कुछ बंदे होते हैं जिनकी आईज बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती हैं, तो आज उन्हीं के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले आपको ह्यूमन फेस का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि कैसे लाइंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने नहीं देखा है तो वह जाके आप दूसरे वीडियो में जाके देख लें। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस में एसिड लाइंस कुछ ड्रॉ करनी है सिंपली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको बनाना है, सबसे पहले तो हमको बनानी है आईज। आईज ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, देखिए ये वाली लाइन है, आईज को हमें ध्यान रखना है। दो आईज के बीच एक आईज का गैप होना बहुत ही ज़रूरी है, तो हमें यहाँ पे बनानी है। हमको ये होती है हमारी आईब्रो लाइन, ये होगी हमारी हेयर लाइन, ये होगी हमारी आईब्रो लाइन, ये होगी हमारी नोज लाइन, ये होगी हमारी चिन लाइन। चिन लाइन के नीचे हमारा बॉडी पार्ट बनता है। सो सबसे पहले हमें आईज ड्रॉ करनी है। आईज ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी आईब्रो ड्रॉ करनी पड़ेगी। आईब्रो ड्रॉ करनी है आपको यहाँ पे, ये मैं आपको सिंपली बना रहा हूँ कैसे भी। इसके बाद आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन फेस का, आपको ये ध्यान रखना है कि दो आईज के बीच एक आई का गैप होना जरूरी है। ये बहुत सारे बिगिनर्स को नहीं पता होता है, जो कि बहुत सारी गलती कर जाते हैं कि एक आई को यहाँ पे बना दिया, दूसरी को यहाँ पे बना दिया, या फिर दोनों को बहुत ही पास लिया, या फिर दोनों को बहुत ही दूर ही कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, एक आई, दो आई के बीच एक आई का गैप होना चाहिए। सो आईज बनानी है हमको। गैपिंग बराबर होना चाहिए, इधर दो आई के बीच एक आई का गैप बहुत ही ज़रूरी है, तो उसे आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। तो इसके बाद हम आते हैं नोज़ पे। ये होती है हमारी नोज़ लाइन। नोज़ लाइन को, नोज़ सबसे पहले बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें बस एक सर्कल चाहिए। क्या चाहिए? ओनली एक सर्कल। एक सर्कल से आपको नोज़ बना सकते हो। तो आपने सर्कल बनाया, यहाँ से एक कर्व टाइप लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली बस यूं करना है। ये होता है, ये होती है हमारी नोज। नोज का स्ट्रक्चर होता है बेसिक ऐसा। इसके बाद आप इसको पोर्ट्रेट के हिसाब से ऐसा भी शेप देख सकते हो, मोटी छोटी कैसे भी, अब आपकी इच्छा, आपको पोर्ट्रेट सकते हो। तो इसके बाद हमें बनानी है लिप्स। लिप्स हमको बनानी है हाँ इस साइड। लिप्स का भी बहुत ही आसान तरीका होता है, हमें मेडल लाइन थोड़े लिप्स के हिसाब से। सो लिप्स को हमें ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे आईज, नोज एंड यहाँ पे होती है हमारी ये चिन लाइन। चिन लाइन तो ये हमारी, यहाँ से आप अब इस आईज के ही इसी बॉक्स में हमें यहाँ पे ईयर्स को ड्रॉ करना है। आईज और नोज के बीच में हमें ईयर्स चाहिए, इस सर्विस चाहिए, इधर भी हमें ईयर्स चाहिए। सो हम ईयर्स बनाते हैं इधर। ये देखना कि आपको दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है। तो मेरे अब दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो यहाँ से आप इसका
फेस स्ट्रक्चर पूरा कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। बाद पोर्ट्रेट ये हमारी हेयर्स, हेयर्स आप कैसे बना सकते हो आपकी मर्जी होती हो। आप खड़े रखना चाहो खड़े रख सकते हो हेयर्स इसके मिठा। ये होते हैं हमारे हेयर्स यहाँ पर। सो ये होता है हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर। सो ह्यूमन फेस में हमें बस इतनी ही चीज़ें समझ कर आपको बस ये ध्यान रखना है आईज, दो आईज के बीच एक आईज का गैप होना चाहिए। और फिर ये सब बनने के बाद हम इसका बना देते हैं थोड़ा थोड़ा शेप देते हैं इसको। Practice जरूर करनी है।